हेलो एवरीवन, मैं जा रही हूँ बीकानेर और रामदेवरा, और इस रोड ट्रिप पर मेरे साथ आप भी इंजॉय करें, क्योंकि मैं रास्ते पर रुकते हुए पूरे इंजॉयमेंट के साथ ही बीकानेर जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ इस ट्रिप पर। तो मैंने सुबह 8 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करी है दिल्ली से, और अब जा रही हूँ सीधे बीकानेर। तो देखते हैं बीकानेर में कितने बजे पहुँचते हैं। तो इस ट्रिप के पूरे मज़े लेते हुए जा रही हूँ, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है। आप देख रहे होंगे बादल छाए हुए हैं, धूप का नामो निशान नहीं है, और बीच बीच में चाय कॉफ़ी पीते हुए जाना है, कुछ खाते हुए जाना है। तो जगह जगह मैं रुक भी रही हूँ, जहाँ की फुटेज आप देख सकते हैं कि वहाँ भी अगर कुछ ऐसा है जिसमें मैं इंजॉय कर सकती हूँ तो उसको भी नहीं छोड़ती। आप भी छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करें, ये ना सोचें कि अरे जल्दी पहुँचना है, अरे ट्रैफिक है, अरे देर हो रही है। नहीं, छोटे छोटे मोमेंट्स को, छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय करना सीखें, जैसे मैं करती हूँ। हर छोटी खुशियों को पूरी मस्ती के साथ जीती, क्योंकि इसी में हमारे जीने का मज़ा है। अगर हर समय अपने दिमाग पर परेशानी का टोकरा लेकर घूमेंगे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। हर छोटी खुशियों में खुश रहना सीखें, जैसे बचपन में खुश रहते थे। तो थोड़ी बहुत टी कॉफ़ी या हल्का फुल्का कुछ खाकर हम फिर से निकल पड़े हैं। इस समय दोपहर हो चुकी है और हम पहुंचने वाले हैं बीकानेर, यानी कि कोशिश तो यही है कि 4, 4:30 या 5 बजे तक बीकानेर अपने फेवरेट रिजॉर्ट में पहुंच जाए। देखिए टाइमली हम पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि 5 बजने वाले हैं और हमने बीकानेर में अपने फेवरेट रिजॉर्ट गंगा महल रिजॉर्ट में एंट्री ले ली है। सो गाइस, आप देख रहे हैं कि गंगा महल में एक बार मैं फिर से आ गई हूँ। हम सुबह चले थे करीब 8:30 बजे के आसपास, और अब हो रहे हैं 5:30। तो हम बीकानेर पहुंच गए हैं और कल सुबह रामदेवरा के लिए जाएंगे। फुल वीडियो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो जाकर आप देख सकते हैं। गंगा महल का भी अलग से एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है और रामदेवरा का भी। तो इस बार कुछ नया होगा तो आपको ज़रूर ले चलूँगी, नहीं तो इस ट्रिप की बस छोटी सी फुटेज आपको मिलेगी। अब आप इसे लक कहें या इत्तेफाक कहें, हमें वही लास्ट ईयर वाला रूम मिला है, यानी 111। और ये रूम मेरा फेवरेट किस लिए है ये भी अगर आपको याद नहीं है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो मैंने गंगा महल रिजॉर्ट का डाला था। यहाँ पर सामने पूल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बार हम पूल का मज़ा नहीं ले पाए, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। बिकाणा चौपाटी है, तो बस अभी निकले हैं टीपी के। जो एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए, वाटर एक्टिविटी है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोट चल रही है, और एक थिएटर टाइप का बना हुआ है जहाँ पर जाके आप फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो डेकोरेशन अच्छी है, पर हमें नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए अंदर, क्योंकि बस खाने पीने का और हमें खाना पीना नहीं। तो बस ऐसे ही आफ्टर डिनर थोड़ा बाहर तफरी करने के लिए निकले हैं, और ये मुझे फर्स्ट टाइम दिखा है। लास्ट ईयर दिखा नहीं था, या मैं रात को निकली नहीं थी, पर बहुत ही अच्छा है। और फिर हम रुके महालक्ष्मी फालूदा या कुल्फ़ी स्टॉल पर ही, और यहाँ पर मुझे पीच कलर का बचपन वाला कोन दिखा जो बचपन में खाया करते थे। अब तो हम मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम खाते हैं या फिर बैस्किन रॉबिन की। तो आफ्टर डिनर हम बाहर निकल के थोड़ी सी आइसक्रीम और घूमने का मज़ा लेकर वापस आ गए हैं। अभी बजे हैं सुबह के 9, ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं रामदेवरा के लिए। रामदेवरा की पूरी स्टोरी और क्या है वहाँ पर खास, इसके बारे में पूरा मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मिल जाएगा। तो मैं जा रही हूँ रामदेवरा। आपने अगर लास्ट ईयर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें बीकानेर, रामदेवरा, गंगा महल रिजॉर्ट सबकी डिटेल्स है अलग अलग वीडियो में। तो रामदेवरा जा रहे हैं हम, ये बीकानेर से करीब 3 घंटे का रास्ता है। तो बस नाश्ता करके हम निकले हैं, और रास्ते में थोड़ी सी भूख लग रही है और वॉशरूम भी जाना था, क्योंकि यहाँ से रामदेवरा अभी बस 10 मिनट का रास्ता है।
मैंने सोचा टी कॉफ़ी कुछ ठंडा ले लिया जाए। तो रामदेव बाबा के दरबार में पहुंच गए हैं और यहाँ पर आप इतना सुकून महसूस करेंगे कि सारी दुनिया को भूल जाएंगे। दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए कि मज़ा ही आ गए, और क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है तो मेरा हाल आप देख रहे हैं कि मैं ढक के चल रही हूँ। तो अब वापस हम अपने रिजॉर्ट में पहुँच गए हैं। सो गाइस, अनफॉर्चुनेटली हमारा रूम चेंज हो गया है क्योंकि कुछ ग्रुप्स आए हुए हैं, उनके लिए वो पूरी बिल्डिंग बुक हो गई। तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आपका चेंज कर दें, अपग्रेड कर देते हैं आपका रूम। तो हमने कहा नो प्रॉब्लम, हमें तो बस शाम को पहुंचना है और सोना है, अगर अपग्रेड हो रहा है तो अच्छी बात है। तो इस बार आपको कुछ न्यू रूम का लुक देखने को मिलेगा। मैं भी एक्साइटेड हूँ कि वो कैसा होगा, देखते हैं। क्योंकि वो वाला रूम तो सेम था जैसे लास्ट ईयर रुकी थी, वही वाला रूम मिला था, पर ये रूम देखते हैं कौन सा है। वाह, ये हमें हेरिटेज बिल्डिंग में मिला है जहाँ पर फॉरनर्स रहते हैं। ये देखिए 201 रूम। चलिए आपको रूम के अंदर लेके चलते हैं। आपका 201 में स्वागत है। रूम बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा, और ये आप लोग देख रहे हैं पूरे रूम का। वॉल पर पुराने टाइप के फैन लगे हुए हैं, लाइट है। ये वार्डरोब है, ये देखिए डेकोरेशन अच्छी है, टीवी है, ये टेबल दी हुई है, और ये ठंड में आग जलाने के लिए जो फायर बॉक्स होता था वो भी बना हुआ है। एक और वार्डरोब दी हुई है, इसमें लॉकर भी है, और ये बड़ा एसी दिया हुआ है स्टैंडिंग वाला। अब चलते हैं वॉशरूम में। हाय, देखिए वॉशरूम में बहुत अच्छी लाइट है। ये बाथ का एरिया, उधर फोन भी दिया हुआ है, उधर क्या है ये देखते हैं। अच्छा, ये ड्रेसिंग एरिया दिया हुआ है। ये जो स्पेशल लोग होते हैं उनके लिए स्पेशल जगह होती है तैयार होने के लिए। हाँ, ये मेकअप करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर मैं रेडी होंगी। और ये क्या है यहाँ पर, ओके, ये बाहर जहाँ पार्किंग होती है हमारी गाड़ी वो नीचे खड़ी है ब्लैक वाली। कुल मिला के अपग्रेड होके मैं रूम बहुत अच्छा मिला है, बड़ा, बैठने के लिए सोफ़ा भी बहुत अच्छा है। और इस रूम की एक खासियत और भी है, इसमें बेड इतना ऊंचा है कि चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ दी हुई है ना, यूनिक चीज़। ये रूम फॉरेनर्स की पसंद है क्योंकि ये खास है। तो चलिए, अब महाराजा गंगा महल रिजॉर्ट और बीकानेर को बाय बाय कहने का समय आ गया।